सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमः। भक्तों, आज आपको आचमन के विषय में कुछ बतलाना चाहता हूँ, जो कुछ लोगों की इच्छा होती है कि आचमन क्या है। तो मूलतः आप यह समझिए कि स्वयं को कैसे शुद्ध किया जाए, उसको आचमन कहा जाता है। यदि आपने कुछ त्रुटि कर दी है तो उसे कैसे शुद्ध किया जाए, तो वह तो मानसिक आचमन हो गया। आप मन से ही स्वयं को शुद्ध करते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो उस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, और उसके बाद आप स्वयं को क्षमा कर देते हैं, या गलती अब ऐसी नहीं होगी, ऐसा एक निश्चय कर लेते हैं। अब इसी चीज को कोई अपने इष्ट को समर्पित करके क्षमा मांगता है, वह भी आचमन के तहत आ जाता है। और अब दूसरा है कि इसके साथ कुछ कर्मकांडी पहलू भी हैं जो सामान्य लोगों के लिए हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि कोई प्रसाद ग्रहण करना हो तो, या कोई संकल्प करना हो तो, या कोई और शुद्धि करनी हो तो भी आचमन करते हैं, और उसके लिए कुछ विशेष मुद्रा भी बना देते हैं। जैसे कि हथेली में गोकर्ण मुद्रा बना करके, जिसमें कि यह जो तर्जनी उंगली है इसको अंगूठे से दबा देते हैं, बाकी उंगलियों को मोड़ देते हैं, और मोड़ करके यहाँ जो गड्ढा बनता है इसी में प्रसाद ले लेते हैं, या जल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, और यह जो है ये ब्रह्म तीर्थ कहलाता है, तो यहाँ से पान करते हैं। कम से कम हो उसकी मात्रा 2-3 बूंद या अधिक से अधिक 1 चम्मच, तो ऐसे आचमन कर दिया जाता है। इसके आचमन से इसका क्या लाभ होता है? आपको उल्टी है, डकार है, आलस्य है, जी मितलाना है, ये सब हल्के फुल्के आदि हैं, तो तत्काल जो है उसके लिए दूर हो जाता है। और व्यक्ति अब जो है किसी संकल्प के लिए तैयार हो जाता है, किसी कार्य के लिए तैयार हो जाता है। यदि उसने कुछ गलत कार्य कर दिया है तो उसके लिए भी आचमन का विधान है, क्योंकि सामान्य मनुष्य इसी प्रकार से अपनी गलती को एहसास करके दूर करने का प्रयास कर सकता है। तो यदि हर जगह जल उपलब्ध नहीं है तो वह एक मानसिक आचमन कर सकता है कि इसी तरह की मुद्रा बना करके, जल की परिकल्पना करके, और ऐसे कर सकता है, तो वह भी आचमन कहलाता है। असत्य भाषण कर दिया, क्रोध कर दिया, यदि आपको क्रोध आ रहा है तो इसमें जल रख करके आप पियेंगे तो क्रोध शांत होगा, मस्तिष्क शांत होता है। अध्ययन कर लेने के बाद आचमन करने का विधान है। उसी तरह से कोई भी आप खाना खा लिए उसके बाद, या हर 1 घंटे के बाद कुछ आचमन करने का है, यानी थोड़ा थोड़ा जल अगर जाता रहे तो मुंह में लार बनता रहता है, जो कि पचाने में लाभकारी होता है, स्राव बनता है, मुंह जो है सूखा नहीं रहता है,
और मुंह में बैक्टीरिया का जमावड़ा उतना नहीं होता है। मुंह जो फीका फीका लगता है कुछ समय बाद, तो वह फीका फीका नहीं लगेगा, तरोताज़ा लगेगा। और होठ चिपकते रहते हैं तो वह सब चिपकेंगे नहीं, तो बोलने में भी सुविधा रहती है। तो इस तरह से ये आचमन किया जाता है। आचमन की एक विधि और है, उसको श्रोत्र आचमन कहते हैं। कोई व्यक्ति गलती कर दे कुछ, या कुछ हमने काम पूरा कर दिया है, तो काम पूरा कर दिया है तो उसमें भी आचमन करने का विधान है। यानी कोई काम आपका फलित हो गया, भला या बुरा, कुछ भी हो गया भला या बुरा, आपको लगा कि यह एक रिजल्ट आ गया, तो उसमें आचमन करने का है। चाहे इस प्रकार से आचमन कर लें, या दोनों कानों को पकड़ लेते हैं हाथों से, विपरीत कान हाथ से कान को पकड़ते हैं, यानी दाएं हाथ से बाएं कान को और बाएं हाथ से दाएं कान को, यह भी आचमन होता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने पर ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेने से फायदा होता है। कान में जो है हम लोग की शरीर की सभी अंगों की नस नाड़ियाँ कान में मौजूद होती हैं, इसीलिए कान के मालिश को एक्यूप्रेशर में बहुत महत्व दिया जाता है। कान की मालिश करते ही आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका माइंड एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। लोग कान को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन शास्त्र में इसीलिए कान को पकड़ने का विधान दिया गया है, कान की मालिश का विधान दिया गया है। तो विपरीत हाथों से कान को पकड़ करके अगर आप छूते हैं तो इसका बहुत असर आता है, आप करेंगे तब देखेंगे। तो वह आचमन की विधि है, यानी किसी कार्य की पूर्णता में या असफलता में, पूर्णता हो जाए चाहे सफल हो चाहे असफल हो, तो उसमें आचमन करने का है। हर परिणाम को ईश्वरीय परिणाम मान करके आचमन किया जाता है। तो इसका यही विधान है। इसमें इतना ही। ओह।